मुंडा पांडे के गांव मानपुर पट्टी में पत्नी पर प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या किए जाने का आरोप लगाया गया है। बताया जाता है कि गांव मानपुर पट्टी निवासी धर्मेंद्र की शादी 15 वर्ष पूर्व बरेली निवासी युवती संध्या के साथ हुई थी, जिससे 3 बच्चे अनिकेत, सोनम और अतुल हैं। धर्मेंद्र के परिवार वालों का कहना है कि 1 माह पूर्व धर्मेंद्र का बीबी से किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था। उस समय तो संध्या मायके बरेली चली गई, फिर अचानक खुद लौट कर आई। धर्मेंद्र ने बीबी को कुछ नहीं कहा और शराब के नशे में डूब गया। परिवार वालों ने पुलिस को पत्नी के खिलाफ दी तहरीर में संध्या पर उसके प्रेमी के साथ मिलकर धर्मेंद्र की हत्या किए जाने का आरोप लगाया गया है। आरोप है कि धर्मेंद्र के बीबी का गांव मानपुर पट्टी निवासी एक युवक अनुज के साथ पिछले काफी लंबे समय से अवैध संबंध चला आ रहा है। इस बात का जब धर्मेंद्र को पता चला तो उसने बीबी को समझाने का प्रयास किया था। मामला जो है, ये एक मनोज नाम का लड़का है हमारे गांव मानपुर पट्टी में, मेरा मानपुर पट्टी में, उसके साथ इसकी बिल्कुल गलत संबंध थे। वो पहले भी कई बार कर चुकी है, मरवाने के बाद पीछे भी हमने तहसील दी थाने में तहसील दी, गए फिर भी किसी ने सुनवाई नहीं की। और ये है उससे अपने लोगों को अपने घर पर छोड़ आया था, इसी वजह से कई बार हो गया था, कई बार पकड़ ली थी, हाथ जोड़ कर माफ़ी मांग लेते थे कि हमको जो सोचता है समय सुधर जाएगी, सुधरी नहीं कि उस समय अपने उसके घर छोड़ आया अपने मैं थे उसके। फिर उसे कल ये 4:30 बजे से घर से ले गए दो भाई मोनू और अनुज, जंगल को ले गए, बोले चलो घूमने चल रहे हैं। ये ले गए, इसे शराब में जहर दिया बंदे के पास, उधर से हम पता नहीं चला, हम तो मैं तो वहीं था, मैं गन्ना बांध रहा था, कुछ पता नहीं चला। ये आ रहे थे हमारे मामा लगते हैं, गन्ना देख कर आ रहे थे पंडित बंदवार से, तो इनने बंदे पे से देखा तो इन्हें देख कर भी लोग भाग गए, इनके बस की नहीं हुआ लाना इनका अकेले को खेले, तो ये भाग के घर गए। मैं आया मोटरसाइकिल लेकर, तो लेकर गए हम, पीछे से लोग भी आए थे, फिर नहीं पता हम रामपुर लेकर चले गए। तो इन लोग हम कल रात थाने में हमने तहरील दी, तहरील हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है, हमें न्याय मिलना चाहिए, इसके 4 बच्चे हैं। अच्छा, क्या नाम है जो शराब पिलाकर इन्हें अनुज और मोनू, क्या नाम है इनका जो मृतक है? रमेश कुमार। अच्छा, कितने बच्चे हैं इनके? 3 बच्चे हैं। अच्छा, तो क्या पहले से ही दुश्मनी चली आ रही थी उनसे? कई महीने से, कई एक साल से यही ड्रामा हो रहा था, जो उससे उसकी वो उससे बात करती थी, कई बार हमने पकड़ भी ली थी इनकी। वो आप डेड बॉडी कहाँ पर लेकर आए हो? मुंडा थाने। अच्छा, क्या आश्वासन दिया पुलिस ने कुछ कार्रवाई के लिए? कार्रवाई कुछ नहीं की है, कल शाम से पड़े हैं हम, तो कोई भी कार्रवाई नहीं करी, तहसील भी हमारी नहीं ली है जी, और अब ये कह रहे हैं तहसील भी नहीं है। अच्छा, कितना समय हो गया तुम्हें थाने गेट पर खड़े हुए डेड बॉडी को लिए हुए? 1 घंटा हो गया डेड बॉडी को, तो अभी फिलहाल 1-1.5 घंटा हो गया यहाँ पर खड़े हुए, कोई सुनवाई नहीं हो रही है, फिर भी हम रात से यहाँ पे, हमारी कोई भी तहरील और कोई भी सुनवाई नहीं हुई है उन लोगों को, इसलिए कोई न्याय नहीं मिला है। अच्छा, आप क्या चाहते हो? हम सिर्फ ये चाहते हैं कि लोग जिनने हमारा भाई मारा है तो उनके लिए सजा मिलनी चाहिए और हमारे भाई को न्याय मिलना चाहिए। बॉडी थाने के गेट पर रखे हुए हैं, क्या आप मांग करना चाहते हैं? हम मांग ये करना चाहते हैं, हमारी भाई की बहू के गलत लोगों से संबंध थे, हमारे पड़ोस में एक लड़का रहता है अनुज नाम का जी, उससे गलत संबंध थे, पहले भी कई बार पकड़ चुके थे, फिर भी माफ़ी मांग के वो रुक जाती थी, हम सोचते थे सुधर जाएगी, सुधरी नहीं। अभी पीछे 10-15 दिन एक महीने पहले इसे पकड़ लिया था, तो इसे घर छोड़े आया था, ये अपने इनके घर, अपनी बहू को इनके घर छोड़े आया था। अच्छा, तो फिर कोई बात नहीं, घर छोड़े आया था, तहरील थी आने में, घर लेकर आई थी फिर अपने भाई के साथ दोबारा हमारे घर पर, सब्जी में घर डालने को थी, फिर भी उसकी लड़की हमारी भतीजी है 13 साल की, उसने देख लिया, तो इतने में हम थाने आए, इतने में वो उनके भाई से लेकर भाग गए। तो क्या पुलिस ने कोई मामला दर्ज किया? मामला कोई दर्ज नहीं किया, हमने तहरील दी, तहरील अभी हमारे पास है, वो दूसरी तहरील, कल हमने रात शाम तहरील दी है, शाम ये हुआ 4:30 बजे जंगल के लिए कितने टाइम से थाने के गेट पर डेड बॉडी रखे हुए हो गए? 1.5 घंटा हो चुका है। क्या कह रही है पुलिस? सुनवाई नहीं कर रही है, हमारी हमने कल दी थी। अच्छा, क्या क्या मांग करना चाहते हैं आप? मांग ये करना चाहते हैं, जिन लोगों ने इन्हें मारा है, जहर दिया है शराब में, उन लोगों को सजा होनी चाहिए और इन्हें न्याय मिलना चाहिए, इनके 3 बच्चे हैं। कोई मामला दर्ज नहीं किया पुलिस ने? कोई सुनवाई नहीं कर रही है।
आरोपी जो है किसी की गिरफ्तारी या कोई मामला हुआ है ऐसा? कुछ भी नहीं हुआ है, पुलिस ही नहीं गई है। FIR भी हमारी गायब कर ली, हम रात देख गए हैं 1 बजे। अच्छा, अगर तुम्हारा मुकदमा नहीं होता तो क्या करेंगे आप? हम क्या करेंगे, हम डेड बॉडी को यहीं गेट पे रखेंगे और हम खुद मर जाएंगे, हम जाएंगे नहीं लेके।